हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम घर पे हैं क्योंकि आज संडे का लॉकडाउन है और आज हम घर पर ही मज़े करेंगे, खेलेंगे वेलेंगे। और आज हम अपनी फेवरेट डिश बनाने वाले हैं हलीम, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि हम हलीम कैसे बनाते हैं। दानियल अभी लेट उठा है तो दानियल अभी ब्रश कर रहा है, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं मॉर्निंग में अभी बाहर आया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि दानियल रायना के लिए पूरी लेने जाना था। संडे को पूरी खाते हैं तो इसलिए मैं पूरी लेने के लिए बाहर आया हूँ। बट यहाँ सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि सारी शॉप्स वगैरह ज़्यादातर बंद ही हैं और गली में भी एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। तो बाहर रोड की तरफ चलते हैं और चल के देखते हैं कितनी शॉप्स खुली हुई हैं और कौन कौन सी शॉप्स खुली हुई हैं। ज़्यादातर वही शॉप्स खुली हुई हैं जिसमें ब्रेड, दूध, दही या खाने पीने का सामान मिल रहा है। बाकी तो इसके अलावा सारी दुकानें ही बंद हैं और संडे का लॉकडाउन जो है वो नज़र आ रहा है कि हाँ बिल्कुल उसका पालन हो रहा है और ज़्यादा यहाँ शॉप्स वगैरह खुली हुई नहीं है। फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने पूरी ली है मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पैकेजिंग ही थी। आप अपनी पूरी लेकर सीधा घर जाइए और वहीं पर खाइए। फ्रेंड्स, अब पापा आ चुके हैं और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। पापा हमारे लिए कचौड़ी लाए। फ्रेंड्स, मैं गया था बाहर दानियल रायना के लिए पूरी लाने और बाहर ठंड ज़्यादा है तो उनको पूरी लाकर दे दी है। बट मैं पूरी नहीं खाऊंगा क्योंकि पूरी से थोड़ा सा मुझे एसिडिक प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने पूरी खानी छोड़ रखी है। तो इन लोगों के लिए मैं ले आया हूँ और ये पूरी सब्जी खा रहे हैं, उसके बाद फिर दिनचर्या स्टार्ट करते हैं अपनी। फ्रेंड्स, ये है बिट्टू अंकल की पूरियां जो कि रायना को बहुत ज़्यादा पसंद है और रायना हर संडे खाती है। फ्रेंड्स, सर पे कैप रखने से बालों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं। बट क्या करें, बाहर ठंड ज़्यादा है इसलिए मैं कैप लगाकर सर पर गया। आज हम लोगों की छुट्टी है तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते हैं अपने खाने पीने का। लॉकडाउन है बाहर और ठंड भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए आज हम अपने घर में बना रहे हैं दलीम। पहले हम लोग इसको हलीम बोलते थे लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये अल्लाह का नाम है, गॉड का नाम है तो लेना नहीं चाहिए, तो इसलिए आजकल लोग इसको दलीम बोलते हैं तो हम भी वही बोलेंगे। तो हम बना रहे हैं जिसके लिए हमने पुराने साधनों का इस्तेमाल किया है। तो मैं दिखाता हूँ कि पुराना साधन क्या है। फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने इमाम दस्ता। तो इसके अंदर हम लोग गेहूं को, जो गेहूं का फाइबर होता है, छिलका होता है बाहर वाला, उसको निकालेंगे। उसको किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। मैंने पूरी नहीं खानी है तो मेरे ब्रेड रोस्ट हो रहे हैं, चाय तैयार है, तो मैं तो बनानास और ब्रेड वगैरह से ही ब्रेकफास्ट करूंगा। तो दानियल रायना पूरी खा रहे हैं और चलिए जल्दी से अब नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद अपना खाने का इंतज़ाम करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने गेहूं को उसका छिलका अलग करने के लिए गेहूं ले लिया है, पानी ले लिया है और इमाम दस्ता ले लिया है। अब इस इमाम दस्ते के अंदर हम अपने गेहूं डालेंगे और गेहूं डालने के बाद फिर इसको हम उसका फाइबर जो ऊपर का छिलका होता है ना वो उसको उतारेंगे। तो आप देखिए किस प्रोसीजर से हम लोग इसमें गेहूँ से छिलके को अलग करेंगे। हम गेहूँ ले रहे हैं और गेहूँ को हम इमाम दस्ते में डाल रहे हैं। इसको इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हल्का सा गेहूं में चला गया। अब हम इसको मूसल से कूटेंगे, लेकिन कूटेंगे हमारे इतना हल्का हाथ चलना चाहिए कि हमारे गेहूं टूटे ना और इसका छिलका उतरना शुरू हो जाए। इसी प्रोसेस से आप इसको 5-7 मिनट करेंगे तो आपके गेहूं से छिलका उतरना शुरू हो जाएगा और फिर वो हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, देखिए इसको हम हल्के हल्के हाथों से कूट रहे हैं लेकिन इससे हमारे जो है गेहूं नहीं टूट रहे हैं। और आपने देखा होगा इसमें मूसल के अंदर अब हल्का हल्का सा फाइबर आपको नज़र आने लगा है, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा नज़र आने लगेगा। तो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर इसको जब आप मूसल से कूचल रहे हैं तो इसको जो गेहूं अंदर डले हुए हैं उसको ऐसे चम्मच से ऊपर नीचे कर लीजिए। देखिए इसमें चम्मच में भी इसका छिलका उतर के आ गया और अभी हमें इसको 3-4 मिनट हुए हैं। तो ऐसे हम लोग इसको हर बारी 10-10 मिनट तक ऐसे हल्के हल्के से इस पर लोड डालेंगे ताकि गेहूँ ना टूटे और छिलका पूरा उतर जाए। फ्रेंड्स, देखिए हमें 7-8 मिनट हो गए हैं इसको हल्के हल्के ऐसे मूसल से कूटते हुए। तो देखिए फाइबर कितना इकट्ठा हो गया हमारा। अब यहाँ तक हमारा इसका छिलका उतर गया है, अब हम इसको निकाल कर फैलाएंगे। जिसके घर में धूप हो, धूप में भी डाल के फैला देता है या पंखे के नीचे रख के हम इसको फैला कर सुखाएंगे गेहूँ को और फिर इसकी भूसी अलग करेंगे।
और फाइनली फ्रेंड्स हमारा सारा फाइबर उतर गया है गेहूं के ऊपर से, और अब हम इसको बस वापस पलटेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। और फ्रेंड्स हम लोगों ने अपने गेहूं को उस पे न्यूज़पेपर पे फैला तो दिया है, बट अब ये सीले हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसको खुशक करने में टाइम लगेगा। मैंने जैसे ही इस पे ड्रायर लगाया तो थोड़े से गेहूं निकल गया, तो पापा थोड़े ऊपर से कर रहे हैं। और हमने इसको गेहूं को सुखाने के लिए एक जुगाड़ बनाया, पहले हमने इसको ड्रायर से हल्का हल्का सुखाया और फिर इसको रूम में पंखे के नीचे रख दिया, जिसकी वजह से ये जल्दी से सूख गए। फ्रेंड्स हमने 1 kg मटन लिया है और उसके अंदर 100 ग्राम लहसुन डाला है, और इसके बाद फिर हमने 2 टेबल स्पून नमक डाला है, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च भी डालेंगे। हमने इसके अंदर हल्दी के लिए हैं 10 चम्मच और लाल मिर्च के लिए हैं 5 चम्मच। हम ये मसालों की क्वांटिटी इस तरीके से लेते हैं कि 1 kg के ऊपर 2 चम्मच छोटे चाय वाले लेते हैं लाल मिर्च के, और 4 चम्मच लेते हैं हल्दी के हर केजी के ऊपर। इसी तरीके से जैसे आपका मटन 1 kg हो गया, गेहूं 1 kg हो गए, दाल आपकी 1/2 kg हो गई, तो उसको टोटल कैलकुलेट करके 1 kg के ऊपर 2 टेबल स्पून मिर्च और 4 टेबल स्पून हल्दी, इस तरीके से हम लोग इसकी क्वांटिटी को मेंटेन करते हैं और नमक जो है वो स्वाद अनुसार लेते हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो हल्दी और मिर्चों वाला जो मिश्रण था जो मटन के साथ था, इसके अंदर हम पानी डालते हैं और इसको चूल्हे पे गलाने के लिए रख देते हैं। और हमने ये लिया है 1 kg प्याज और इसको हम करेंगे घी के अंदर ब्राउन, तो पहले इसको काटते हैं। और अब जल्दी से प्याज के छिलके उतार लेते हैं, छिलके उतारने के बाद इसको काटेंगे। और अब हमारी आखिरी प्याज का भी छिलका उतर गया है, इसके बाद फिर इसको छिलेदार प्याज काटते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली हमने सारी प्याज अपनी काट ली है और इसको अब हम फ्राई के लिए लेकर चलेंगे। फ्रेंड्स हमने 500 ग्राम चने की दाल ली है। फ्रेंड्स हमारे गेहूं जो हैं वो सूख गए हैं और अब हम इसको रब कर रहे हैं, और रब करके इसका छिलका गेहूं से अलग कर रहे हैं, और फिर इसको हम बाद में फटक कर छिलके को गेहूं से अलग कर लेंगे। तो रायना भी मेरे साथ बैठकर रबिंग कर रही हैं इसकी, और दानियाल भी हैं, इनको खूब मज़ा आता है ये सब करने में, तो ये दोनों मेरे साथ मिलकर ये इसको गेहूं को रब कर रहे हैं। और अब हम जो है गेहूं से फाइबर को अलग करेंगे, और अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा कि अब गेहूं से हमने कितना सारा फाइबर अलग किया है। फ्रेंड्स देखिए हमने कितना सारा फाइबर जमा कर लिया है, और ये बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, तो हम दानी ने मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आता है इससे, ये आपको पापा ने बताया भी होगा, तो चलिए हम इससे खेलते हैं। और फ्रेंड्स चलिए अब अपनी प्याज को ब्राउन करने के लिए डालते हैं घी के अंदर, और फिर इसको ब्राउन, जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तब तक हम देखते हैं जो हमने प्रेशर कुकर के अंदर अपने गेहूं डाले थे वो कितने गले हैं। फ्रेंड्स हम लोगों ने 90% गेहूं गला लिए हैं, और अब दाल को जो है हम इसमें गेहूं में डालेंगे और दाल को भी गलाएंगे। और फ्रेंड्स हमारी प्याज जो है वो लाल हो चुकी है, और अब हम इसको प्याज को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको ठंडी जगह पर रखेंगे पंखे के नीचे, ताकि क्रंची और क्रिस्पी हो जाए और हमें इसको चूरने में आसानी से हम इसको चूर लें। फ्रेंड्स मटन भी हम लोगों ने गला लिया है बिल्कुल, उधर हमारे गेहूं जो हैं वो उबल रहे हैं, और गेहूं का भी हम लोगों ने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। इसमें हमने 2 चम्मच खाने का सोडा डाला था गेहूं को गलाने के लिए, अभी इसको ओपन करके देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। और फ्रेंड्स अब हमारे जो गेहूं गल चुके हैं, अब इसके अंदर हम लोग चने की दाल डाल के इसको और 1-2 सीटी देंगे, उसके बाद फिर जो हमारा वो मिश्रण तैयार है मटन वाला वो इसके अंदर हम लोग मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर इसको हम पकने के लिए काफ़ी देर तक चूल्हे के ऊपर छोड़ देंगे।
अब फ्रेंड्स अपने दाल और गेहूं को पतीली के अंदर शिफ्ट करते हैं और बाकी का मिश्रण भी इसके अंदर मिलाते हैं और फिर इसको पकने के लिए चूल्हे पे छोड़ देते हैं। और ये मिश्रण को भी हम दाल में और गेहूं में मिक्स कर देते हैं और फिर इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब ये सब चीज़ हम लोगों ने मिक्स कर दिए और अब इसको हम लोग हल्की आंच के ऊपर 2-2.5 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देंगे और बार बार इसको चलाते रहें। और ये हमारे पास एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट है जिसको उर्दू के अंदर घोटना बोलते हैं, इससे इस हलीम को घोटा जाता है। तो इसको अब हम लोग इससे घोटते हैं, इससे ये गाढ़ी होगी और इसके अंदर लेस पैदा होगा और ये खाने में फिर टेस्टी लगेगी। देखो फ्रेंड्स अभी ये कितनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा गाढ़ी होती चली जाएगी। फ्रेंड्स ये हमारे पास वो घी है जिससे हमने प्याज को लाल किया था, अब इसी ऑयल को हम लोग इस समय हलीम में मिलाएंगे। और फ्रेंड्स थोड़ी देर में आपको पता भी नहीं चलेगा ये घी कहाँ गया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि घी गया खिचड़ी में या खिचड़ी गई घी में, पता नहीं चलता। तो अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा इसका घी का कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ गया। देखिए फ्रेंड्स सारा घी गायब हो गया है और इसके अंदर अब हम 1 टेबल स्पून आमचूर यानी खटाई डालेंगे जिससे इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। हमारी मज़ेदार सी हलीम तैयार हो चुकी है और अब हम उसमें मसाले वसाले डाल के खाएंगे। और फ्रेंड्स अब हम लोगों ने अपनी हलीम को तैयार कर लिया और अब इसको सर्व करके हम लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। हमने इसमें ब्राउन वाली प्याज और हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डाल ली है और दानियाल रायना नींबू डाल के खा रहे हैं। ये मसालों के साथ नहीं खाते हैं तो ये वैसे फीकी ही खाएंगे अपनी हलीम को। तो चलिए टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कैसी बनी है हलीम। और सुभान अल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हलीम बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। काश आप लोग भी हमारे साथ होते और हमारे साथ इस हलीम का मज़ा लेते जो हलीम हम खा रहे हैं। और फ्रेंड्स मस्त हलीम जो है ख़त्म हो चुकी है, हम लोगों ने खूब मज़े लेकर खाई। और रायना मुझे तो बहुत अच्छी लगी हलीम, मन भर गया पर है ना, नहीं हलीम नहीं दलीम मतलब पेट भर गया पर मन नहीं भरा। ओके फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लॉकडाउन वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरी हलीम वाली रेसिपी अच्छी लगी, मतलब मेरी नहीं पापा की बनाई हुई हलीम वाली रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।